नमस्कार, स्वागत है आपका C20 न्यूज पर। मैं नीलूफर खान आपके साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये कुप्रथा महिलाओं से जुड़ी हुई है हमारे देश में। हम कितनी भी महिला सशक्तिकरण की बात है क्यों ना कर लें, महिलाओं के अधिकारों को लेकर कानून क्यों ना बना लें, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ें कितनी भी बुलंद क्यों ना कर लें, लेकिन आज भी सच्चाई हमारे देश में कुछ और ही है। महिलाओं की स्थिति बेहतर तो हुई है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का शोषण होना आम बात सी हो गई है। देश में जिस्म फरोशी का धंधा तो पुरानी बात है, चार पैसे देकर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर हवस की भूख मिटाना आम बात है। आज हम बताने जा रहे हैं जो होश उड़ाने वाली बात है, लड़कियों की खरीद फरोख्त के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये स्थिति है जिसमें महिलाओं को खरीद कर उन्हें फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाना आम बात है, लेकिन जो हम खबर बताने जा रहे हैं उससे अलग हटकर है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे देश भारत देश में एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है। यह कहीं और दूसरी जगह नहीं बल्कि देश के बड़े राज्य मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव की, जहां से कोई भी शख्स अपने लिए किराए पर बीवी ला सकता है। महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का यहां रिवाज है। इस प्रथा का नाम धड़ीचा प्रथा है, जो देश भर में खाचा प्रचलित है। प्रथा के तहत देश का कोई भी अमीर शख्स इस गांव की लड़कियों को बतौर बीवी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन ये बंधन जिंदगी भर के लिए नहीं होता, ये सौदा महीने या साल के हिसाब से होता है। प्रथा के तहत किराए पर पत्नी लेने के लिए यहां पुरुष और लड़कियों के घर वालों से पहले यह रकम तय की जाती है, जो 500 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। यहाँ किराए पर बीवी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जिसे जितने समय के लिए लड़की चाहिए वो उसे ले जा सकता है। रकम तय करने के बाद यह तय किया जाता है कि सौदा कितने समय तक का होगा। इसके बाद 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शर्तें लिखकर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद संबंधित महिला को पुरुष के हवाले कर दिया जाता है। सौदा तय होने के बाद उस महिला को तय वक्त तक बीवियों वाली सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। एग्रीमेंट खत्म होने पर यह पुरुष पर निर्भर करता है कि वो आगे नया एग्रीमेंट करके उसी महिला के साथ रहना चाहता है या फिर दूसरी बीवी किराए पर लेता है। आपको बताते हैं, इस कुप्रथा पर चलन सिर्फ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां दड़ीचा प्रथा मनाई जाती है। हैरानी की बात यह है कि किराए पर बीवी की कुप्रथा आज से नहीं बल्कि कई दशकों से लगातार ऐसे ही चली आ रही है। कमाल तो यह है कि इस कुप्रथा के खिलाफ आज तक किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। अरे ओ सांभा, घोड़ा पालना बहुत महंगा हो गया, सोच रहा हूँ बजाज प्लेटिना ले लूं। जी सरदार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, अब तो ले लो प्लेटिना सरकार। जी हाँ, हमारा पता नोट करें, A1 बजाज महनपुरी चौराहे के पास, कृष्णा नगर शुकुहाबाद। मोबाइल नंबर नोट करें, 9808844992।